हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनर। मैं हूँ राशि शेख। तो मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूवर्स लोग की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि भाई रक्षित शेट्टी की कुछ फिल्मों के बारे में बताएं जो हम लोग ANS यानी एडवेंचर ऑफ श्रीमन नारायण से पहले देख सके। तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको रक्षित शेट्टी की कुछ फिल्मों के बारे में बताऊंगा कि इस फिल्मों में हमें क्या देखने को मिला, प्लस उस फिल्मों ने कितना बॉक्स ऑफिस में कमाया और कितने में वो फिल्में बनी थी, तो सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही अगर जिन लोगों ने मेरा ANS ट्रेलर का रिव्यू नहीं देखा तो वो आई बटन को क्लिक करके वहां पर भी मैं आपको बताया कि कौन है रक्षित शेट्टी और ट्रेलर देखकर लोगों को क्या एक्सप्रेशन था, प्लस KGF से इस मूवी का क्या लिंक है, वो सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आई बटन को क्लिक करो तो वहां पर आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सब समझ जाओगे। फिलहाल तो इस वीडियो को देखे, इस वीडियो में आपको मैं रक्षित शेट्टी की फिल्मों के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट नया आए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, जो साथ ही घंटे का बटन उसे प्रेस कर देना, उसमें जो ऑल का ऑप्शन है उसे क्लिक करना। उससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। खैर, अगर आप लोग मुझे मेरे वीडियो को ज्यादा पसंद करते हो तो यार हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर आप लोग शेयर कर सकते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारे लिस्ट में पांचवें नंबर पर सिंपल आगी ओंडू। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है सुनी, और इसमें हमें नजर आते हैं रक्षित शेट्टी और श्वेता श्रीवास्तव। इस फिल्म को दोबारा बनाया गया था 2018 में तेलुगु लैंग्वेज में, जिसमें लीड रोल में नजर आए थे तरुण और ओविवा। अगर कहानी की बात करें तो रक्षित शेट्टी का इस मूवी में नाम है कुशल। कुशल को उसकी बहन रचना, जो कि एक रेडियो जॉकी है, वो कुशल को पॉलीबेटा भेजती है अपने ही बॉयफ्रेंड की सिस्टर इतिहासिनी से मिलने। यही सोचकर कि कुशल और इतिहासिनी एक दूसरे को पसंद कर लेंगे और उनकी शादी हो जाएगी। वहाँ पहुँचने के बाद कुशल मिलता है श्वेता से, जो कुशल को कहती है वही इतिहासिनी है, और ऐसे पहले दोस्ती होती है। फिर जब दोनों करीब आ जाते हैं तब कुशल को पता चलता है कि ये इतिहासिनी नहीं है बल्कि इसका नाम खुशी है, जिसको मेमोरी लॉस की शिकायत है। इसके बाद कहानी कहाँ मोड़ लेती है और एंड में इसमें हैप्पी बताया है या सैड, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी का बजट करीब 2 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 10 करोड़ कमाए थे और सैटेलाइट राइट्स में 2 करोड़, यानी टोटल 12 करोड़ इसकी कमाई हुई थी। हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे उली डबरू कंडांटे। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी है। इसको लिखा और डायरेक्ट किया है रक्षित शेट्टी ने। रक्षित शेट्टी इस मूवी के लीड रोल में भी हमें नजर आते हैं। इनके साथ इस मूवी में हमें किशोर तारा, अच्युत कुमार, ऋषभ शेट्टी और यज्ञा शेट्टी भी नजर आते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है मालपे से, जो एक टाउन है उडुपी में। मालपे का बीच बहुत फेमस है। इस मूवी में ऐसा बताया है कि उडुपी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है और वहाँ के लोग तैयारी में है सेलिब्रेट करने के। वहाँ के बड़े और बच्चे माइथोलॉजी के हिसाब से अपने अपने कैरेक्टर्स प्ले करने को रेडी होते हैं। कहानी में 5 अलग अलग लोग बताए गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में हुए एक मर्डर के चश्मदीद हो जाते हैं। सब अपने अपने तरीके से बताते हैं कौन सही है या कौन गलत। ये जानने के लिए आप ये मूवी ज़रूर देखें। इस मूवी के लिए रक्षित शेट्टी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। मूवी का बजट 2.5 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 22 करोड़ की कमाई की थी और ये एक हिट साबित हुई है। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर रिकी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है ऋषभ शेट्टी ने। इसमें हमें नजर आते हैं रक्षित शेट्टी और हरिप्रिया लीड रोल में। मूवी की कहानी शुरू होती है रिकी यानी रक्षित शेट्टी से, जिसकी एंगेजमेंट होती है उसी की बचपन की दोस्त राधा यानी हरिप्रिया से। रिकी को जॉब की वजह से आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता है, मगर वो प्रॉमिस करता है वो जल्द ही वापस आएगा। जब वो रिटर्न आता है उसे ना राधा मिलती है ना ही राधा के फैमिली वाले। तो राधा आखिर कहाँ गई, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी में हमें नक्सलाइट्स भी नजर आते हैं। इस मूवी का बजट था 4 करोड़ और इसने वर्ल्ड वाइड कमाई थी 8 करोड़। तो देखा जाए तो ये कमाई के मामले में एवरेज साबित हुई थी, लेकिन फिर भी इस मूवी का सब्जेक्ट अच्छा था। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर गोड़ी बन्ना साधारणा माइकट 2। ये मूवी आई थी 2016 में। ये एक ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है हेमंत राव ने। इसमें नजर आते अनंत नाग, रक्षित शेट्टी रीड रोल में। मूवी की कहानी शुरू होती है अनंतनाग से, जिसका इस मूवी में नाम है वेंकव राव। वो बीमार है इसीलिए उन्हें एक ओल्ड एज होम में एडमिट किया है उन्हीं के बेटे शिवा ने। शिवा का रोल प्ले किया है रक्षित शेट्टी ने।
शिवा मुंबई में रहता है, बिजनेस के लिए बेंगलुरु जाता है क्योंकि उसका ड्रीम है यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल होना। एक दिन वेंकप राव मिसिंग हो जाता है और इसी बीच एक लोकल सिविल सर्वेंट का मर्डर हो जाता है। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट आता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी का बजट था सिर्फ 1.2 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाए थे 35 करोड़। ये कमर्शली हिट साबित हुई थी। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे क्रिक पार्टी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में। ये एक कैंपस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है ऋषभ शेट्टी ने। इसमें हमें रक्षित शेट्टी, रश्मिका मंदाना, संयुक्ता हेगड़े नजर आते हैं। इस मूवी को रक्षित और सेवन ऑर्ट्स ने मिलकर लिखा है। मूवी की कहानी शुरू होती है एक सॉन्ग से जहाँ हमें कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं करना, सानवी और आर्य। रक्षित शेट्टी ने रोल प्ले किया है करना का और रश्मिका ने रोल प्ले किया है सानवी का। करना फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है और सानवी फाइनल ईयर स्टूडेंट। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आगे ऐसा क्या होता है जो करना को पूरा बदल देता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये कनाडा मूवी में अच्छी कमाई के लिए जानी जाती है। इस मूवी ने रक्षित शेट्टी को सुपरस्टार बनाया। इस मूवी का बॉलीवुड में रीमेक बनने वाला है। मूवी की बजट की बात करो तो मूवी का बजट था 4 करोड़ और 50 करोड़ की कमाई करके वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग कनाडा मूवी बन गई है। तो ये तो थी रक्षित शेट्टी की कुछ फिल्मों का कलेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को करें सब्सक्राइब और जो साथ ही घंटा उसे कर देना प्रेस। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना और भाई इस वीडियो की लिंक को ज्यादा शेयर करना। तो बस दुआ में याद रखना। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन।